ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ उपस्थित हूँ। नववर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। भारतीय संस्कृति का नववर्ष 2080 आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित तो होने जा रहा है। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं आपको आचार्य वाणी के माध्यम से, धनु राशि वालों को बता रहे हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय ये संवत 2080 लेके आ रहा है। सबसे पहले तो इस समय का जो आरंभ हो रहा है वही बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। गज केसरी योग विद्यमान है। नाम आपने बहुत सारे लोगों ने सुना हो, गज केसरी योग कुंडली में आ जाता है तो भाग्यवंत के द्वार खुल जाते हैं। वही योग चल रहा है। नव संवत जब आरंभ होगा तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों बहुत सुंदर स्थिति में, बृहस्पति अपने घर के होकर परम अच्छी स्थिति में चंद्रमा के साथ बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। बुधवार का दिन पड़ रहा है तो इससे शुभ क्या हो सकता है। नवरात्र का पदार्पण सुंदर मुहूर्त है और सूर्योदय के समय पर इतनी सुंदर वेला में ये शुभ योग बना हुआ है और आपकी तो राशि के अनुसार से बहुत ही सुंदर जगह एक ग्रह बना, योग बना हुआ है हर तरह से। तो कहते हैं ना कि पाँचों हाथियाँ, पाँचों उंगलियाँ जो है घी में हैं, तो वो स्थिति आपके लिए ये वर्ष स्थापित हो, नज़र ना लगे भगवान की कृपा से। ये समय आपके लिए 12 वर्ष बाद बड़े सुंदर से भाग्य से उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा। शनि महाराज तो ऑलरेडी परिवर्तन कर चुके और आपके लिए तो 7:30 भी खत्म हो चुकी है आपकी। तो जो लोग प्रश्न बार बार लिख के भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, हम देखते हैं कि महाराज कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा। आप कह रहे हैं ये परिवर्तन अब आ गया है, वो परिवर्तन का समय 2070 खत्म, 2080 कुछ करने का विषय है, लाभ लेने का समय है। गए कष्ट के दिन, बिल्कुल गए कष्ट के दिन, और यदि आप और उनको ठीक कर लें, काम पे लग जाएं, शनि थोड़ा सा आलस बढ़ा रहे हैं उनको भी ठीक कर दें, तो फिर देखिएगा वारे न्यारे होने का विषय हो रहा है। 2080 आपके लिए ऐसा रहेगा कि पिछले कई वर्षों में आपने जो 7:30 की ताप झेली है बिल्कुल गायब हो जाएगी। रात गई बात गई, ये समझ के चले। ये जो वर्ष 2080 पिंगल नाम का संवत ये सूचना लेके आ रहा है आपके लिए। हमारा गला खराब था फिर भी हमने नववर्ष की शुभ वेला पर ये कार्य कर विशेष तौर पर बनाने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें यदि हमने कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। ये विषय ऐसा है क्योंकि समय निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। शुभ मुहूर्त का समय है। शुभ मुहूर्त में हम लोग नए साल के रेजोल्यूशन बनाते हैं। अंग्रेज़ों ने हमें यही सिखाया कि नए साल के दिन सोच लेना चाहिए कि अच्छे ये काम करेंगे, गलत काम छोड़ देंगे। एक जनवरी को थोड़ी रेजोल्यूशन बनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के नवरात्र के अवसर पर, नवरात्र नववर्ष आरंभ हो रहा है, वो मुहूर्त है भाई, वो मुहूर्त है, वो बताता है कि कब काम कर लेना चाहिए। हमारी संस्कृति का विषय है और हम तो मुहूर्त पे चलने वाले लोग हैं। हम तो सूर्योदय के साथ नववर्ष कब मनाते हैं। तो ये वर्ष बहुत सुंदर सूचना लेके आया है। 2080 महाराज विक्रमादित्य का संवत जो ये 2080 आपके लिए आरंभ हो रहा है, और महाराज विक्रमादित्य ने आज से 2080 साल पहले अपने सुंदर वर्चस्व को स्थापित किया और पूरे संपूर्ण संस्कृति का राजभार से जितने लोगों के कष्ट थे, जितने धन के लोगों के लोन थे, सब हर लिए थे, सब अपने दायित्व से निर्वाह कर दिए थे। उस दिन से उनके नाम से संवत आरंभ हुआ और 2080 वर्ष में, आज 2080 का जो वर्ष नव संवत आरंभ हो रहा है पिंगल नाम का, आपके लिए धनु राशि वालों के लिए चमत्कारिक रहेगा। परिवर्तन बहुत सुंदर रहने वाला है। तो आप समझें, ऐसे में आप शुभ लाभ लेने के लिए माँ भगवती की प्रार्थना कर इस सुंदर नव वर्ष को आरंभ करें। माँ भगवती के नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में यदि धर्म के साथ आपका बृहस्पति इस वक्त कहाँ जाने वाला आपको पता है, बहुत सारे लोग को पता होगा। बृहस्पति का परिवर्तन अभी तो वैसे 31 मार्च को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, लेकिन 21 अप्रैल को बृहस्पति परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव से धर्म को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे। अब जब दृष्टि बृहस्पति के भाग्य पर पड़ जाएगी तो फिर किस बात की कमी रह जाएगी। शनि महाराज ने थोड़ा सा कम कर दिया था भाग्य को, अब बृहस्पति भी देखेंगे वहीं पर। ऐसे में बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाने का आप काम कर लीजिए। उस व्यक्ति को अस्त होने से पहले, बृहस्पति के अस्त होने से पहले माँ भगवती की आराधना कर इस उपाय को कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से। केसर, केसर का तिलक, केसर का दान, केसर वाली खीर को रोज बनाकर उसके द्वारा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नमो देवे महादेवी शिवाय स्तुतं नमः, नमः प्रगति भद्राय नेता पंडिता समतम देवी सूक्त का पाठ से
नित्यपति इन नवरात्रों में आहुति माँ भगवती को दे दीजिए, चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, चमत्कारिक परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा इस वर्ष में। आपको तैयार कर लीजिए अपनी गाड़ी को। अब मत बोलिएगा फिर कि फिर तो देखिए आलसियों को कुछ नहीं मिलता, मन में शंका उत्पन्न करने वालों को कुछ नहीं मिलता, रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे, इस बात को समझ लो। 24 घंटे मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, कष्ट की याद करते हुए जाते हैं, तो कष्ट का बीज बोओगे तो कष्ट ही तो निकलेगा। भूलो, ज्योतिषी गणनाएं दिखा रही हैं धनुराशि वालों परिवर्तन का समय आ गया है, बड़े भाग्य से आपके भाग्य में। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? आपको जगाने के लिए भी मैं इतना गला खराब होने के बावजूद भी आपके समक्ष आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, तो आशा करता हूँ आप समझेंगे। देखिए हम आज जो बात कर रहे हैं मुख्य ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। शनि तो वैसे ही परिवर्तन हो चुके हैं आपके लिए, हमने बताया कई वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अब नववर्ष में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, वो बहुत आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। ऐसे में राहु का परिवर्तन भी होगा, राहु भी बुद्धि से हटकर वो वापस आ जाएंगे अक्टूबर के अंदर, तो उसके बाद तो बृहस्पति खुली छूट होगी बृहस्पति को और बहुत बढ़िया से काम करने के योग बनेंगे। बीच में बृहस्पति वक्री भी होंगे करीब करीब 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, शनि भी वक्री होंगे 17 जून के आसपास से लेकर 4 नवंबर के बीच में। हम बताएंगे आपको वीडियोस बनाने के माध्यम से उस वक्त क्या कुछ करना है, क्या कुछ होगा आपके साथ, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें इस वर्ष को, संवत 2080 जो है, जो पिंगल नाम का संवत है, वो हमें दिखाई देता है कि बहुत कुछ आपके लिए करने के योग बना रहा है अक्टूबर में, और बढ़िया हो जाएगा बृहस्पति जब राहु से हट जाएंगे, तो ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि आपके लिए अब समय है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से तमाम शंकाओं को साइडलाइन करने के उपरांत धनु राशि वालों को चमत्कार दिखाने का अवसर है, तब आप लग जाइए। नहीं तो एक बात समझ लीजिएगा, अब आपको मैं बोलना नहीं चाहता था, पंचम में जाके कई बार बृहस्पति निष्फल भी हो जाते हैं, यदि आलस में बैठे रहोगे तो बृहस्पति फल भी नहीं देंगे, इसलिए आपको लाभ लेने का योग बनाना है, आपके जीवन में कल्याण हो, ईश्वर आपकी मनोकामना ठीक करे। और उसी सुंदर चीज़ को देखते हुए हमने अपने आश्रम पे सुंदर यज्ञ का निर्माण किया है, नवरात्र के शुभ अवसर पर सहस चंडी सुंदर महायज्ञ रखा है हमने अपने आश्रम पे, आप उसमें भाग लें, माँ भगवती का दर्शन करें, माँ भगवती के यज्ञ में भाग लें, कृपा होगी, कल्याण होगा। धन्यवाद।